नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए, जो हमारा पोषण चैप्टर चला हुआ था उसी के अंतर्गत आज हम पोषण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के विषय में। इससे पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में हम विटामिन के बारे में पढ़ चुके थे। हमने विटामिन के बारे में सभी बातें कर ली थी कि किस विटामिन की खोज किसने की, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वो सभी बातें हमारी हो चुकी थी। तो आज अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्रोटीन के संबंध में, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे, अमीनो एसिड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है हमारी, वो है हमारी अमीनो एसिड। यहाँ पे लिखा है 20 पे, यहाँ पे 20, यानी 20, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 अमीनो एसिड, यानी जब 20 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। यानी कि अमीनो एसिड से ही आपका प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनाने के लिए जो हमें आवश्यक जो अमीनो एसिड है वो कितने चाहिए, वो चाहिए उनकी जो संख्या है वो है 20। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि प्रोटीन का निर्माण के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होगी, तो कितने अमीनो एसिड बोल लीजिए या अमीनो अम्ल बोल लीजिए, तो उनकी जो आवश्यकता होगी वो होगी हमारी 20, ठीक है। उसके बाद है, प्रोटीन की खोज मूलर ने की थी। जिस प्रकार आपका वहाँ पर विटामिन की खोज लूनिन ने की थी, इसी प्रकार यहाँ पर प्रोटीन की जो खोज है वो आपके मूलर ने की थी। परंतु इसका जो प्रोटीन का नामकरण है वो बर्जीलियस ने किया था। जैसे वहाँ पर आपका प्रोटीन विटामिन जो था, विटामिन का जो नामकरण है वो किसने किया था, फंक ने किया था। तो इसी प्रकार प्रोटीन की खोज करी मूलर ने और नामकरण करा बर्जीलियस ने। और प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या है, अमीनो एसिड। और एक प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने अमीनो एसिड आवश्यक हैं, तो 20 अमीनो एसिड आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद है, एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी दिनचर्या ठीक है, तो उसे एक दिन में न्यूनतम 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और एक ग्राम प्रोटीन की बात करें तो एक ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। यानी जो एक अगर एक ग्राम प्रोटीन हम खाते हैं तो एक ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो प्रोटीन शरीर में वृद्धि करने का कार्य करता है। जो हमारे शरीर में जो वृद्धि है, जो हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ को जो कराने में जो सहायक है वो कौन है हमारा, वो हमारा सहायक जो है वो प्रोटीन है, आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। यानी जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो प्रॉपर पाचन है वो शरीर के जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके किस पार्ट में होगा, तो वो होगा हमारा छोटी आंत में होगा। जब आपको टॉपिक पढ़ाया था पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत छोटी आंत के विषय में पढ़ाया था कि इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर है। छोटी आंत 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके 3 भाग है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इलियम वाला जो लास्ट का भाग है उसमें एक संरचना पाई जाती है, इसमें भोजन का अवशोषण हो जाता है, उसे विली कहा जाता है। यानी अगर आपको छोटी आंत के विषय में पढ़ना है तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है आपकी, आप देख लेंगे। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटी आंत के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई है आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी में के खराब होने की संभावना होती है। यानी यदि हम ज़्यादा मात्रा में, एक लिमिट से ज़्यादा प्रोटीन ग्रहण करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो उससे संभावना है कि जो हमारी किडनी है, जो हमारा वृक्क है, उससे खराब होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन लिखे हुए हैं आपके, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपका पूछ लिया जाता है। जैसे दाल की बात करें तो दाल में प्रालेमिन्स प्रोटीन होगा आपका। दूध की बात करें तो केशिन प्रोटीन होगा। अंडे की बात करें तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा। गेहूं की बात करें तो ग्लूटेन प्रोटीन होगा। नाखून और बालों की बात करें तो केराटिन प्रोटीन होगा। गाजर की बात करें तो कैरोटीन, यह है कीरोटीन और ये है आपका कैरोटीन। टमाटर की बात करें तो ल्यूकोपीन प्रोटीन होगा, ये सभी की सभी ये प्रोटीन आपकी। त्वचा की बात करें तो कोलेजिन प्रोटीन होगा। हड्डी की बात करें तो ओशीन। यकृत की बात करें तो हेपरिन। मांसपेशियों की बात करें तो मायोसिन। थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन और ग्लोब्यून, ये चारों के चारों जो प्रोटीन है ये पाए जाएंगे हमारे ब्लड में। यानी ये जो चारों के चारों जो प्रोटीन है ये हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित होते हैं। तो भैया, ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक प्रोटीन का, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था लेकिन महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसी वजह से ये जो टॉपिक है आपको कराया गया है। देखिए, बात को समझिए, सिंपल सी बात, प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या है, अमीनो एसिड, बात खत्म। कितने अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, तो 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता है। खोज किसने करी, मूलर ने। नामकरण किसने करा, बर्जीलियस ने। एक दिन में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। एक ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी होगी, तो 4.1 किलो कैलोरी होगी।
प्रोटीन का कार्य क्या है? सर्दी जो शरीर है हमारा उसमें क्या करना, वृद्धि करना। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होगा? तो छोटी आंत में होगा। ज़्यादा प्रोटीन लेने से क्या खराब हो सकता है? हमारे शरीर का कौन सा अंग खराब हो सकता है? तो किडनी खराब हो सकती है। बस ये कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं, यही आपको याद करने हैं। और आप बाकी ये चार टेबल जो है ये याद कर लेंगे कि किसमें कौन सा प्रोटीन है। मेन आपका दाल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, गेहूँ हो गया, नाखून है, गाजर है, टमाटर है, त्वचा है, हड्डी है, यकृत है, मांसपेशी है, थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये चारों के चारों जो प्रोटीन है ये हमारे किसके अंदर उपस्थित है? तो हमारे रक्त के अंदर उपस्थित है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था प्रोटीन। तो अभी पोषण में अभी दो तीन जो टॉपिक हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, जिसमें प्रमुख है कार्बोहाइड्रेट है, फैट और मिनरल्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम पोषण से संबंधित अगले चैप्टर को लेंगे। धन्यवाद।